नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे ट्रैवलिंग का डे 6 है और अभी मैं हूँ मलाड में सूरज के रूम पर। और अभी बैग वगैरह सब कुछ पैक हो चुका है, नाश्ता भी कर लिया और मैं निकल रहा हूँ गुजरात अंकलेश्वर की ओर, जहाँ पे मेरा एक दोस्त है। जब हम स्कूल में थे, साथ में पढ़ रहे थे, तो भाई का कॉल आया कल मुझे कि भाई मैं अंकलेश्वर में रहता हूँ तो आ जा करके। तो अभी निकल रहा हूँ उसके घर के, मतलब अभी जा रहा हूँ अंकलेश्वर की तरफ। तो भाई मुझे छोड़ के आएगा हाईवे पे। तो भाई सुरेश भाई, हाईवे कितना दूर होगा? हाईवे बनना से दो तीन किलोमीटर। तो भाई मुझे वहाँ पे छोड़ेंगे, फिर वहाँ से निकलूँगा मैं लिफ्ट करते हुए अंकलेश्वर की ओर। तो भाई लोग, अभी तक मैं जहाँ पे घूमा, तो पहले मैं आया था पुणे, फिर आया मुंबई। तो ये एरिया मेरे जान पहचान वाला था, बट अभी मैं जा रहा हूँ गुजरात की तरफ, जो कि मेरे लिए पूरा नया होगा। और ये जो कुछ एक्सपीरियंस होगा, ये भी पूरा नया एक्सपीरियंस है। तो अभी आए थे हम मालाड स्टेशन की तरफ, तो जिस ऑटो में आए थे उस ऑटो में एक अंकल बैठे थे। तो अंकल को पता है हमने ट्रैवल इंडिया विदाउट मनी कंसेप्ट कैसे काम करता है। तो अंकल ने देखा और अंकल ने वो टिकट दे दिया ना हमारा, वो ट्रैवलिंग का जितना पैसा हुआ अंकल ने दे दिया। हाँ, टिकट से पैसे तेने देन टाक ले भाई, इनको हाईवे पे छोड़ दो ना, दस की बात है। चलो सूरज भाई, हाँ चल निकल, बेड वाला हाँ फोन कर दो तुरा, चल। तो ऑटो वाले भाई ने अभी हाईवे पे छोड़ दिया है मुझे, और अभी ये हाईवे जाएगा दहानू पालघर की तरफ, आगे जाके निकलेगा सूरत की तरफ। तो यही हाईवे से मैं अभी कंटिन्यू करूँगा। ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट मैप देख के मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेता हूँ और चलते रहता हूँ। तो सुबह के अभी बज गए 11:30, निकलना था मुझे 9 बजे, पर अभी थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो गया, बट कोई बात नहीं। यहाँ से अभी एक 280 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है जो कि हमें आज कवर करना है। देखेंगे, दो चार बड़ी बड़ी लिफ्ट मिल गई ना तो कोई बात नहीं, हो जाएगा मेरा 2-4 लिफ्ट से। बट अभी सिटी के बाहर निकलूँगा, फिर हाईवे पे बोर्ड दिखा के लिफ्ट लूँगा, क्योंकि यहाँ तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 1 घंटे के बाद मुझे पहली लिफ्ट मिल गई है। भाई ने लिफ्ट दी थी, भाई नाम विनोद भाई ने हमें लिफ्ट दी है। ये दिन की पहली लिफ्ट है मेरी, और अभी हम जा रहे हैं वापसी सूरत की तरफ। मैंने थोड़ा आगे आगे छोड़ा, बट अभी फिर से मुझे लगा एक फ्लाईओवर, जो कि फ्लाईओवर क्रॉस करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। भाई ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे भाई ने छोड़ा था इस साइड। अभी जिन अंकल ने मुझे लिफ्ट दी थी, अंकल बता रहे थे कि जैसा तू घूम रहा है ना, वैसा मैंने एक वेब सीरीज के एक्टर के मुँह से सुना था, जो कि है पंकज त्रिपाठी। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने सुना था उसमें कि अगर आप पूरा इंडिया बिना पैसों के घूम लेते हो और उसके बाद आके कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें बहुत सारे आइडिया मिलती है। तो ऐसा कुछ मुझे पता है उन्होंने, और उनको बहुत अच्छा लगा ये कंसेप्ट मेरा। मेरा रोड पे मैं खड़ा था, तो ये भाई मुझे मिले, तो ऐसे बात कर रहा था भाई से। तो भाई को मैंने बताया मैं अभी लिफ्ट करके पूरा इंडिया कर रहा हूँ। भाई ने बताया कि वो भी यूट्यूबर है, और आप ये देख सकते हो मॉन्क क्रिएशन, ये इनका चैनल है भाई का। तो भाई आप बताओ चैनल के बारे में थोड़ा, कंटेंट के बारे में क्या? अपना खुद का, हाँ हम लोग एंटरटेनमेंट का चैनल है, हम लोग मॉन्क क्रिएशन शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। बाकी आप लोग भाई को सपोर्ट कीजिए, भाई पूरा इंडिया घूम रहा है। तो भाई का मैंने चैनल देखा, 4.5 लाख सब्सक्राइबर है, और भाई क्या चल रहा है लेने के लिए, पर अभी लिफ्ट तो नहीं मिल रही भाई, अभी आधा घंटा हो गया। बट ऐसे भाई से बात हुई, अच्छा लगा। देखते अभी आधा घंटा तो रुकूंगा मैं, नहीं तो फिर आगे चला जाऊंगा, वहाँ से लिफ्ट लेके शुरू करूंगा। तो मिलके अच्छा लगता है भाई, ऐसे लोग मिलते हैं। तो फाइनली लिफ्ट मिली है, और ये है रितेश सर, इन्होंने मुझे लिफ्ट दी है वसई तक ना सर? वसई, और वसई यहाँ से डिस्टेंस सर 30 किलोमीटर। ओके, सो 30 किलोमीटर तक की लिफ्ट मिल गए। अभी मतलब चांसेस है कि मैं बॉर्डर क्रॉस करके गुजरात में जाऊं,
और वापी सूरत तक जाने का में जो टारगेट रखा हुआ आज का वो कंप्लीट हो जाए। तो लगभग एक घंटे रुका मैं वहाँ पे, और जो मॉन्ग क्रिएशन के जो चैनल वाले जो राहुल सर थे उनसे भी बात की, तो वहाँ से निकल के फिर 10 मिनट रुका, 10 मिनट के बाद अभी ये लिफ्ट मिल गए। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। तो रोड कुछ इस तरह है। घर से बस निकलना पड़ता है। फर्स्ट डेयरिंग जो है ना निकलने की वो करना सबसे बड़ी बात है, वो सबसे नहीं हो सकता है। एक्चुअली मैं पहले कैसा है, मेरे पास कैमरा भी नहीं था, ये बस कल आया तो मैं पहले मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हुए घर से निकल गया। अच्छा। मैं सोच रहा था बस कैमरा लूँगा और मेरा बजट भी नहीं था कैमरे का, तो मेरे पास जो बहन हुई है तो उनसे मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है कैमरा लेना है करके, तो खुद से उन्होंने मुझे पूछ के जा तू शोरूम में वो कैमरा बाय करके मुझे बता, मैं बिल भर दूंगा। अच्छा। उनसे मुझे सपोर्ट मिला तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता तो वो सपोर्ट में मिस कर देते। उसके बाद मैं 500 रुपये लेके निकला घर से, मेरे पास तो कुछ नहीं था, मेरे माँ ने मुझे निकल से 500 रुपये दिए, वही लेके मैं निकला, मेरे पास 1 रुपये नहीं था, माँ ने जो दिया 500 वही लेके मैं निकल गया। मैं ऐसे बात कर रहा था तो कल जब मैं मालाड में था तो कल एक पालकी निकली थी साईं बाबा की, मैं यहाँ से भी निकलती है पालकी, दिसंबर में निकली है अभी, तो दिसंबर में जो पालकी निकलती है वो सर के यहाँ से निकलती है, और सर पहले मालाड में रहते थे, अभी सर अभी मैं मीरा रोड। तो वो जो पालकी है वो जो मंदिर है बाबा सीताराम मंदिर, तो वो मंदिर सर के डैड ने बनाया था, और सर अभी खुद का बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का जो नाम है वो बिजनेस मतलब वो प्रिंट वाला गारमेंट के प्रिंटिंग होता है, गारमेंट के प्रिंटिंग वगैरह सर वो बिजनेस करते हैं, कंपनी का नाम है ENX कॉरपोरेशन। तो मतलब बहुत अच्छी तरह से वो पूरा सेट करके रखे, और पहले विंटेज गाड़ियों का भी कलेक्शन सेल करते थे। तो अभी कौन सी गाड़ी है सर अभी मेरे पास 1938 की रॉयल क्राइसलर है, फिर एक मर्सिडीज एस क्लास है, फिर एक मेरे पास 1974 की मर्सिडीज W202 है, और एक मज़दा है मेरे पास जैपनीज है जो इंपोर्टेड है, और एक इटालियन निसान की NX100 है, फिर मेरे पास कुछ बाइकें भी है जो अभी देखनी है तो मेरे ऑफिस में खड़ी है, और 1965 की बुलेट है जो इंग्लैंड में आती थी, फिर दूसरी दो तीन स्पोर्ट्स बाइक है, और जो सलमान खान का एक गाना था ओ जाने जाना करके, उसमें जो उसने स्पोर्ट बाइक यूज़ की थी वो मेरी बाइक है, मेरे पास अभी भी पड़ी है मेरे ऑफिस में। क्या बात है सर, इतना तो मैंने नाम भी नहीं सुना था अभी गाड़ियों का, ऐसी सब कुछ अभी तक छोटी मोटी गाड़ियाँ पड़ी है, बाकी सब मैंने निकाल दी क्योंकि मैंने वो बिजनेस बंद कर दिया, मेंटेन नहीं कर पा रहा था। तो अभी कोई आएगा खरीदना हो करके तो मतलब? नहीं, जो भी मेरे पास है वो मेरे को देनी नहीं है। अच्छा। इसके लिए मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उसको मेंटेन करते रहूँ। हाँ हाँ, क्योंकि ये मतलब मेरा बिजनेस का मेरा एक पैशन था, मेरे को अलग अलग बाइकें गाड़ियाँ लेने का, कलेक्शन करने का उसको लेके घूमना। हाँ हाँ, मैं ऑल ओवर इंडिया घुमा हूँ, पूरा इंडिया में कोई ही ऐसा स्टेट रहेगा जो मैं वहाँ पे नहीं गया। तो हर एक ट्रैवल जर्नी की अलग स्टोरी है, और ये स्टोरी में अभी मुझे मिले सर जिनसे मैं अभी जस्ट बात कर रहा था, तो सर ने मुझे ये पूरा जानकारी बताया, और विंटेज कार कलेक्शन मतलब जो शौकीन लोग होते हैं वही करते हैं, तो उनमें से एक सर भी है। तो जा रहे ऐसे बात करते हुए रोड का जो साइड का नज़ारा है वो देखते हुए, अभी मैं रोहित जी को यहाँ से गुजरात में वापी में एक जगह पे भेज रहा हूँ, वहाँ पे भी मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास कम से कम 200 विंटेज गाड़ियों का कलेक्शन है। बापरे 200 विंटेज गाड़ियों का कलेक्शन है, जिसमें 100-125 साल पुरानी गाड़ियाँ उसके पास है, जो इंडिया में सिंगल पीस दो पीस ऐसी गाड़ियाँ है जो इंडिया में किसी एकाध या दो आदमी के पास रहेगी, ऐसी गाड़ियाँ उसके पास है, सोहिल करके मेरा एक फ्रेंड है, सोहिल वहाँ पे भेज रहा हूँ। हाँ ओके ओके, तो अभी जाएंगे वापी में, सर के दोस्त ही हैं उनके साथ मतलब कॉन्टेक्ट करेंगे, और देखते आगे का क्या होता है सीन। तो लिफ्ट करने के लिए बस मुझे 100-125 किलोमीटर ही बाकी रहेगा फिर वापी तक के लिए, मिलते ऐसे लोग तो अच्छा लगता है ट्रैवलिंग के दौरान, और नई मेमोरीज क्रिएट होती है। तो आप भी अगर घर पे हो वीडियो देख रहे हो
तो कभी टाइम मिले तो ट्रैवल जरूर करना। सर का तो ऑलमोस्ट इंडिया हो चुका है, हम अभी इंडिया कर रहे हैं, आप भी फ्यूचर में करो ऐसा हम चाहते हैं, मतलब करो करके। आप सर कुछ बोलना चाहोगे? ट्रैवलिंग एक पैशन भी है और ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हमारा माइंड डेवलप होता है। हम जो स्टेट में रहते हैं बस वो उसको एक्सप्लोर करते हैं तो हमारा माइंड डेवलपमेंट उतना ही रहता है कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं, उसका माइंडसेट ऐसा है। और ट्रैवलिंग करने से नए नए जो अलग स्टेट के लोगों से मिलते हैं उसे हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने मिलती है, समझने मिलती है। ये एक पैशन भी है और एक ये नॉलेज भी है। नॉलेज भी है, बस नॉलेज के लिए करना हो तो आप ट्रैवलिंग बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, क्योंकि हर एक आदमी एक अलग एक्सपीरियंस देके जाएगा आपको। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे दुबई जाना है, मुझे कनाडा जाना है, इंडिया में क्या है देखने जाता है, वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसका कंपोजिशन इंडिया में नहीं हो। इंडिया में हर तरीके का क्लाइमेट है जो वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के पास नहीं है। अगर आपको स्नो एंजॉय करना है तो आप कश्मीर जा सकते हो, लेह लद्दाख जा सकते हो। फिर आपको डिजर्ट एंजॉय करना है तो आप राजस्थान जा सकते हो, कच्छ जा सकते हो। तो ऐसा है, समझो कि आपको फॉरेस्ट एंजॉय करना है तो गुजरात में गिर है जो बहुत रिस्कफुल और बहुत ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है। फिर बंगाल में है ऐसा, महाराष्ट्र में आना है सह्याद्री में आओ, सह्याद्री में है। मतलब तो बहुत सारी ऐसी चीजें, वैरायटी है, वैरायटी। हाँ, कि आपको इंडिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को बाहर देखने मिलेगी और इंडिया में नहीं देखने मिलेगी। ऐसी कोई भी जगह नहीं है, इंडिया एक मल्टी टैलेंटेड कंट्री है और मल्टी टैलेंटेड जगह है। इंडिया में सब कुछ ऐसा देखने जैसा, आप इंडिया एक्सप्लोर करोगे तो आपको बाहर जाने की जल्दी जरूरत भी नहीं पड़ेगी कभी। और जाना भी है तो पूरा इंडिया देख के जाओ, पहले इंडिया देखो फिर आगे जाओ। मेरा तो हमेशा लाइफ में यही टारगेट रहा था, इसके लिए मैंने पूरा इंडिया कंप्लीट किया है। शायद कोई स्टेट ऐसा रह गया रहेगा, जैसे मैं अभी तक आसाम नहीं गया हूँ, आसाम मेरा पेंडिंग है, नैनीताल नहीं गया हूँ, नैनीताल पेंडिंग है। बाकी मैं बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कर चुका हूँ, अभी कुछ बिजनेस में से टाइम नहीं निकल रहा है, इसके लिए जैसे बिजनेस से मैं वापस फ्री होगा मैं मेरी लाइफ आगे की एक्सप्लोर करूँगा और उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आगे अदर कंट्री जाऊँगा। अभी मैं सर के साथ आया हूँ उनके गाड़ियों का कलेक्शन देखने, तो सर बोल रहे कि मतलब यहाँ पे है कुछ, तो वो सब हम देखेंगे। वहाँ से जा रहे हैं हम अगले वापी की तरफ, वापी में भी सर के दोस्त है तो उनसे भी मिलेंगे, वहाँ पे भी पूरा विंटेज गाड़ियों का कलेक्शन है। चलो, अच्छा रिपेस्टिंग का काम पूरा? हाँ, तो ऐसा कुछ काम चलता है। अभी ये ब्लैक वाला भी क्या था बताए? ये ब्लैक पहले वाला वो टेबल पर चलता है। अच्छा, उसके लिए मतलब वो टेबल है ना सॉफ्ट चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हार्ड टेबल। ओके, इधर छपने के बाद वो वाली मशीन में जाता है। हाँ हाँ, तो बड़ा मशीन है ना उसमें, वो उसमें हीटिंग से पूरा प्रोसेस होता है कि वो कलर को निकल लेना है। ओके, पेस्टिंग प्रेस होता है वो? प्रेस फिर लास्ट में जाता है, लास्ट वाला उसको। पर यही गाड़ी सिर्फ तभी कलर अलग था, मैंने कलर चेंज किया, मैंने बोला था ना। वो सलमान खान ने, सलमान खान वाले। अच्छा, तो देखो भाई ये गाड़ी है, वो मूवी का नाम क्या है? मूवी का नाम मेरे को नहीं मालूम, वो सॉन्ग ऐसा है कुछ, ओ जाने जाना। अच्छा, वो गाने में यही नंबर के साथ है। ओके भाई, आप अगर यूट्यूब पे जाके देखोगे ना तो वो गाने में आपको यही बाइक मिलेगी। मतलब मॉडल वगैरह कुछ अलग नहीं है, नंबर कुछ अलग नहीं है, कलर अलग है। तो ये गाड़ी है होंडा की ना? हाँ, CBR 400 RR। ओके, तो भाई ने देखो इसका भी कलेक्शन कर लिया है, और बाहर भी दो चार गाड़ियाँ हैं जिसमें एक बुलेट भी है ना, ये जर्मन मेड रॉयल एनफील्ड। मीटर में तुम बहुत चलता, मेड इन इंग्लैंड ले ले। ये भी कभी कभार ही दिखने को मिलती है हाईवे पे, ज़्यादातर तो नहीं मिलती ना। यहाँ पे भी दो है कुछ, पता नहीं कौन सा मॉडल है। CBR, दोनों CBR है। ये मॉडल दोनों अलग है। CBR 250 है, या भी मतलब आप बाहर निकालते हो कभी? या बस कलेक्शन नहीं रखा है, पड़ी है बस पड़ी है। इसमें प्रेस होता है, ये
गर्म करता है ये। हाँ हाँ हाँ, 135 का टेम्परेचर है और 50 का ये प्रेशर है। हाँ हाँ, तो ये अभी फाइनल हो गया। ये फाइनल हो गया, इससे जाने से पहले ये मशीन में जाता है, इसके अंदर सब हीटर लगे हुए हैं। अच्छा हाँ हाँ, इसके अंदर हीट हो के वो बाजू से बाहर। सो अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और मुझे यहाँ से निकलना है वापी की तरफ। तो ऐसे बस थोड़ी देर में ऑफिस में बैठा हूँ, सर उनके दोस्त से बात कर रहे हैं जो कि अभी वापी से कुछ रहने का होता है, तो देखेंगे मतलब उनके दोस्त वहाँ पे होंगे तो वापी कब तो हो जाएगा। और यहाँ पे उनके दोस्त की एक कंपनी है जहाँ पे टी शर्ट वगैरह बनता है, तो देखेंगे अगर वो वहाँ पे रहे तो वहाँ पे जाके मिलेंगे, न तो फिर यहाँ से फिर वापी के लिए निकल जाएंगे। तो सर की कंपनी से निकल के हम आ गए सर के दोस्त की कंपनी पे जो कि वाल्राम आशीष इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे चलता है टी शर्ट के प्रोडक्शन का काम। तो जाते हैं सर के साथ। और आपके दोस्त का नाम क्या है सर? कृष्णा। टी शर्ट वगैरह तो पहनते हैं और उसके पीछे जो मेहनत लगती है, जो कुछ बनता है, कैसे बनता है, वो हम देखने के लिए आए अभी वसई में। तो सर के साथ ही था मैं जहाँ पे हमने देखा वो प्रिंटिंग पेस्टिंग का जो कुछ है, लोगो प्रिंटिंग का। अभी उसके बाद हम आ गए दूसरे जो सर के दोस्त थे उनके फैक्ट्री में ये पूरा प्रोसेस देखने के लिए। तो यहाँ से चालू होता है सर? यहाँ से हमारा प्रोसेस चालू होता है पूरा। ओके, कटिंग यहाँ पे होती है कटिंग। तो ये मटेरियल पूरा बाहर से आने के बाद यहाँ पे कटिंग होगा। तो ये सर है कृष्णा सर जो कि यह कंपनी के ओनर है और यहाँ पे मतलब पूरा टी शर्ट का फाइनल प्रोडक्ट निकलता है यहीं से, यहाँ से बन के निकलता है। 100% मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस होती है। ओके, बाहर हम कुछ भी नहीं कराते। ओके ओके, इसका अलग मतलब ब्रांडिंग है? ये हमारा खुद का ब्रांड नेम है, कीजी के नाम से चलता है। कीजी? हाँ। ऑनलाइन रजिस्टर है? ऑनलाइन रजिस्टर है, ऑनलाइन पे नहीं बिकते हैं हम लोग, ऑफलाइन बेचते हैं। ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा आपको कीजी? कीजी। ओके, तो चलिए आगे क्या प्रोसेस समझते हैं। बाहर से पहले पूरा ऐसा कपड़े के रोल आते हैं सब, फिर वो जो लड़का उधर खोल रहा है ना, वैसे पूरा रोल खुलते जाता है। हाँ, और उसका ऐसा कपड़े का लेयर लगाते हैं। अच्छा, लेयर लगा के फिर इसको ऊपर ये ऐसा फर्मा रख के उस पर पूरा मशीन से एक साथ में कट होता है, 50-50 पीस, 100-100 पीस ऐसा। हाँ हाँ, फिर कट होने के बाद आगे नीचे प्रिंटिंग में जाता है। वो साइज के हिसाब से कट होता है? साइज के हिसाब से, अलग अलग साइज के हिसाब से, अलग अलग पैटर्न के हिसाब से कट होता है। जैसे टी शर्ट अलग तरीके से कटता है, फिर जैकेट रहता है तो अलग तरीके से कटता है, श्रग रहता है तो अलग तरीके से कटता है। अच्छा, फिर उसके ऊपर ऐसा देखो ये प्रिंटिंग होता है जो डिजाइन का। तो यहाँ पे लिखा है कीप रेडी, फिर ये है, ये सब भी अपना प्रिंटिंग भी अपने गाले के अंदर ही होता है। अच्छा, तो ऐसा प्रिंटिंग वगैरह? ये प्रिंटिंग होता है पूरा, ये प्रिंटिंग टी शर्ट ही है या और कुछ? पूरा टी शर्ट बनाते हैं, जैकेट बनाते हैं, श्रग बनाते हैं, अपर्स में हम सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके ओके ओके, तो जो भी आप ऑफलाइन मार्केट में देखोगे तो किसी नाम का जो ब्रांड है वो सर का ही है, सर का नाम कृष्णा। तो उसके बाद ये प्रोसेस चलता है, प्रोसेस है प्रिंटिंग का, प्रिंट का। तो आप देख सकते हैं ये पूरा भी प्रिंटिंग प्रोसेस, और ये प्रिंट होने के बाद इसे सुखा दे, सुखाने के लिए ना, सुखाने का फिर इसका प्रोसेस होता है, फिक्सिंग का, क्लीनिंग होता है, क्यूरिंग होता है इस पर। अच्छा, यहाँ पे पूरा स्टिचिंग होता है हमारा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे स्टिचिंग होता है, थ्रेड कटिंग यहाँ पे होता है। ओके, ये पूरा जर्किंग वगैरह, थ्रेड कटिंग पूरा यहाँ पे होता है, फिर वहाँ पे पूरा फाइनल चेकिंग होता है। अच्छा, क्वालिटी चेकिंग होती है पूरी, जरा सा भी माइनर डिफेक्ट हम भेजते नहीं किसी को। हाँ हाँ हाँ, स्टिचिंग का पूरा ये प्रोसेस है। तो ये पूरा डिपार्टमेंट स्टिचिंग के लिए ही है, पूरा एडवांस सिस्टम है यहाँ पे, पूरा मशीन वगैरह देखिए। अच्छा, यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेज होता है, यहाँ पे फिनिशिंग होती है हमारी। तो ये रहा फाइनल स्टेज जहाँ पे फिनिशिंग वगैरह सब और पैकिंग वगैरह, पैकिंग वगैरह यहाँ पे। यहाँ पे चल रहा है आयरनिंग, तो आप जहाँ पे भी देखोगे ब्रांड नेम ब्रांड नेम ब्रांड नेम। तो एक कीजी, ये जो आप ब्रांड देख रहे हो
किजी, तो ये कृष्णा सर का है ब्रांड। अगर आप मार्केट में आपको दिखता है, मिलता है, तो आप ज़रूर इसे खरीदें। और वैरायटी मिलेगी आपको हर एक टाइप की वैरायटी, टी शर्ट में, श्रग में और जैकेट्स में। तो ये था ये सर के पूरा फैक्ट्री का। मतलब मॉल वगैरह में आराम से हो जाता है, सारे प्रीमियम काउंटर्स पे आपको मिलेंगे। निकलते हमारे अगले पड़ाव की ओर, जो कि हमें वापी तक लेके जाएगा। अभी बज गए 4:00, 4:00 से हमें निकलना है 3 घंटे का ट्रैवल करके वापी की तरफ। तो सर को कहते हैं बाय बाय। सर आपसे मिलकर अच्छा लगा, और मेरे नॉलेज के जो बाहर की चीज़ें वो मुझे देखने को मिली। तो कृष्णा सर से हमें ये किजी ब्रांड का शर्ट मिला है, ब्लैक कलर का। तो इसे मैं आपको कल पहन के दिखाऊंगा और बताऊंगा फिटिंग वगैरह कैसा है, क्वालिटी के बारे में भी बताऊंगा। सर और रितेश सर से मिलके अभी फिर से जा रहा हूँ मैं हाईवे पे। तो सर ने मेरे रहने का थोड़ा सा जुगाड़ तो कर लिया है, जो कि सर के दोस्त है वापी में। तो वापी तक मैं अगर पहुँचता हूँ तो मेरा रहने का आराम से हो जाता है। सर के दोस्त के यहाँ पे ही कुछ तो हो जाएगा मैनेज। तो मुझे बस यहाँ से 120 किलोमीटर जाना है, जो कि देखूँगा हो पाता है या नहीं। आई होप हो जाएगा, क्योंकि 120 किलोमीटर और अभी 4 बजे, तो मेरे पास अभी 4 घंटे तो है। हर घंटे में 30 किलोमीटर भी चलता हूँ तो भी आराम से पहुँच जाऊँगा। तो अभी हूँ मैं वसई में, और यहाँ से तलाशेरी जो बॉर्डर है जहाँ पे महाराष्ट्र ख़त्म होता है, तो वो अभी डिस्टेंस बाकी है 85 किलोमीटर का। मुझे नहीं लगता आज मैं वापी तक पहुँच पाऊँगा, क्योंकि हाईवे पे ना लिफ्ट का बहुत, मतलब बहुत कम लिफ्ट है। कोई देखता है पर लिफ्ट ही नहीं दे रहा है, और हाईवे भी रनिंग वाला है। जगह जगह पे ऐसे ब्रिज वगैरह आ रहे हैं, फ्लाईओवर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो देखते हैं, अभी 5 तो बज चुके हैं, 3 घंटे और है मेरे पास। 3 घंटे में 120 किलोमीटर कवर करना है, क्या होता है देखते हैं आज कहाँ पे रुकना पड़ता है। तो यह साइडला खाली है वसई शहर, आणि इकडे ब्रिज। तो वसई से निकला था मैं, और ये भाई है, भाई आपका नाम क्या है? विपिन भाई ने हमें 4 किलोमीटर की लिफ्ट दी है यहाँ पे। ये गांव कौन सा है? पेलार बनोगा, पेलार, पेलार बनोगा, पेलार। ओके, तो ऐसा कुछ गांव है, मुझे नाम यहाँ से आने रहा। तो यहाँ पे भाई ने छोड़ा है, भाई थैंक यू वेरी मच। तो निकलेंगे अभी, मिल तो गई है, भाई रुका है, पूछते कहाँ पे जाके वो हमें छोड़ सकता है। भाई कहाँ तक छोड़ोगे? लिफ्ट चाहिए, लिफ्ट। हाँ चलो ना। कहाँ तक? मतलब मैं चारोटी जा रहा हूँ। चारोटी, ओके भाई, थैंक यू। सो फाइनली चारोटी तक की लिफ्ट मिल गई है। चारोटी भाई कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? इतना मेरे को मतलब अंदाज नहीं है। 40-40? हाँ 30-40 होगा। होगा ना? होगा। 40 किलोमीटर तो आराम से होगा। ओके भाई, ओके, थैंक यू वेरी मच भाई। नाम क्या है भाई? सचिन बरफ। सचिन बोरव? बरफ, बरफ, बरफ। हाँ बरफ। ओके, सो भाई ने, सचिन भाई ने लिफ्ट दिली है। फाइनली आपण किमान चारोटीपर्यंत तरी चाललो आहे, जे की 30-40 किलोमीटरची आता ही लिफ्ट आहे। सो थँकफुली लिफ्ट भेटली भाई। राशिद भाई के साथ, और मैं ऐसे ही रुका था, मैंने अभी हाथ भी नहीं किया ऐसा लिफ्ट के लिए, बोर्ड भी नहीं दिखाया, फिर भी राशिद भाई खुद से आके रुके। और आके मैंने बोला भाई लिफ्ट दोगे क्या? तो भाई एक मिनट के लिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई ना बोलने वाले, भाई ने हाँ ही बोला, और भाई मुझे अभी उनके साथ लेके जा रहे हैं वापी तक। तो वापी भाई यहाँ से कितना दूर पड़ेगा हमें? 100, तो मतलब 100 किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई भाई।
तो भगवान की दया से हमें 100 किलोमीटर में, मालूम है मैं सब सोच भी नहीं रहा था कि मैं महाराष्ट्र के बाहर भी आज निकल पाऊँगा, बॉर्डर के बाहर। तो लकीली भाई मिल गए और अभी जाऊँगा भाई के साथ वापी की तरफ। तो आप वापी से ही हो या दमन? हाँ भाई दमन से। और आप सोच भी नहीं सकते अभी मैं एंडेवर में लिफ्ट करके जा रहा हूँ। अब ये मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी में लिफ्ट मुझे मिला है और मैं ये साथ लिफ्ट करके अभी जाऊँगा। सो ट्रैवल विदाउट मनी करके मैं घर से तो निकला हूँ, बट बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आ रहे। पीछे कृष्ण भाई मिले थे, वो भी मतलब पूरा उन्होंने उनका पूरा फैक्ट्री वगैरह दिखाया, अच्छे से खातिरदारी किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये एक्सपीरियंस कलेक्ट करते हुए मैं जा रहा हूँ अपनी गुजरात की तरफ। गुजरात से जाऊँगा फिर आगे राजस्थान। जो कुछ एक्सपीरियंस होगा ये मैं पूरा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो वीडियो पूरा देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी जस्ट चारोडी टोल जो है वो क्रॉस किया है, हमारे पीछे है टोल। और अभी हम आए हैं एक होटल पे चाय पीने के लिए रशीद भाई के साथ। तो ये है हमारा कुछ एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग का। और ये भाई है, भाई नाम सुनील। ओके तो भाई ब्लॉगिंग ऐसा ही रहता है, जहाँ पे भी जाओ जो कुछ एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं वो हम तुम्हारे तक मतलब आप तक पहुंचाते हैं, इसी को ब्लॉगिंग कहते हैं। तो चाय पी के निकले और भाई ने मेरे साथ अभी ये दिया है कुरकुरे समोसा का जो पैक, कुरकुरे और बिस्किट का पूरा पैकेट लेके दिया है 2-4। फेमस है क्या बड़ा सा? हाँ अच्छा हाँ। ये कौन सा गांव चल रहा है भाई अभी? हाँ भाई ये गांव एक मिनट। हाँ सर हेलो। हम पहुंच गए वापी में और वापी से हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, जहाँ पे मेरा एक दोस्त है राहुल और राहुल का भी एक फ्रेंड आने वाला है कृष्णा करके। और राशिद भाई मुझे उनको पीछे जाना था फिर भी रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आने वाले हैं, मतलब आ गए छोड़ने। तो मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो दोस्तों ऐसा था मेरा मुंबई से लेकर वापी गुजरात तक का सफ़र। इस सफ़र में मुझे नए नए दोस्त मिले और नई कुछ मेमोरीज क्रिएट करते हुए हमारा ये सफ़र आगे चलता भी रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।